तो पहले उनके जन्म की चर्चा करते हैं। उनका जन्म भी बहुत दिव्य है, जैसे भगवान के जन्म का नाम दिव्य है, हनुमान जी का प्राकट्य बहुत ही दिव्य होता है। अंजनी पुत्र भी उनको कहते हैं, वायु पुत्र भी कहते हैं, केसरी नंदन भी कहते हैं, शिव जी के भी उनको अंश कहते हैं। तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है उनका असली क्या पहचान है। तो वर्णन आता है कि एक बार शिव जी समाधि में बैठे हैं और सती भी उनके साथ में है। शिव जी समाधि से बाहर आते हैं तो राम 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 कहना शुरू कर देते हैं और सती की तरफ इशारा करते हैं कि मेरे पास आओ। तो सती उनके सामने आती है तो शिव जी मुस्करा कर बोलते हैं कि बहुत जल्दी मेरे जो इष्ट हैं राम वो पृथ्वी पर प्रकट होने वाले हैं और उनका एक मिशन होगा कि वो रावण का संहार करेंगे और रावण के संहार के लिए उनको वानरों लोग सहायता करेंगे। तो अब मेरे पास एक बहुत सुंदर मौका आया है कि मैं भगवान राम की सेवा में जाऊं, तो मैं भी वानर के रूप में नीचे अवतार लूंगा। तो सती थोड़ा सा परेशान हो जाती है, कभी तो आप हमेशा आप ध्यान में लगे रहते हो और अब ध्यान से बाहर आए तो नीचे अवतार ले लोगे, तो मेरा क्या होगा। तो कहती मेरे भी एक निवेदन है। बोले हाँ। बोले आप जब वानर के रूप में अवतार लूंगे तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं आप वानर जो बनेंगे उसकी पूंछ के रूप में मैं अवतार लूँ। शिव जी बोलते बहुत अच्छी बात है, तो हमेशा मेरे साथ ही रहोगे, बहुत बढ़िया है। तो फिर दोनों शिव जी और सती जी इस पृथ्वी लोक में वानर और वानरी के रूप में प्रकट होते हैं और वो संग करते हैं और शिव जी की शक्ति से जो गर्भ होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। तो शिव जी उसको लेकर वायु को देते हैं, वायुदेव को देते हैं कि समय आने पर तुम इसको दे देना, तो सही इस गर्भ को धारण कर सके। लेकिन वो इतना गर्म होता है, उसमें इतनी शक्ति होती है, वायुदेव उसको पकड़ नहीं पाते। बोले अगर ये मेरे पास रहा तो पूरे संसार में संहार हो जाएगा, हवा बहेगी इसके ऊपर से, इतना गर्म है ये, चाली है। तो वो कुछ ऋषि मुनियों के पास जाते हैं और ऋषि मुनि मंदाकिनी नदी से एक धातु की वस्तु लाते हैं, बोले इसके ऊपर हम रख देते हैं और इस पर ठीक रहेगा, जब आपको आवश्यकता होगी हम आपको इसको दे देंगे। तो तभी वहाँ पे देवलोक में एक अप्सरा होती है जिसका नाम होता है पुंजिका स्थली, उससे कुछ अपराध हो जाता है तो बृहस्पति उसको श्राप देते हैं कि आप पृथ्वी पे जाके वानर योनि में चले जाओ। तो वानरी बन जाती हैं और उनका विवाह होता है, वानर में राजा जो होते हैं उनका नाम होता है केसरी, उनसे विवाह हो जाता है। तो दोनों के विवाह के बाद भी कोई संतान उत्पन्न नहीं होती, तो जो अंजना होती है वो तपस्या करने चली जाती है। जब वो तपस्या कर रही होती है तो वायु देव देखते हैं कि ये सही स्त्री है जो कि उस गर्भ को धारण कर सके, तो वहाँ ऋषियों से जाके उस गर्भ को लेकर आते हैं और अंजना को प्रवेश कर जाता है। जब अंजना के शरीर में प्रवेश करता है उसको बहुत ऐसा लगता है उसके शरीर को पकड़ लिया हो, जोर से चिल्लाती है। तो वायुदेव बोलते हैं घबराओ मत, आपके गर्भ में एक ऐसी संतान आई है जो कि पूरे विश्व का भला करेगा, जो भगवान राम का सहायक बनेगा। तो ये सुन के वो बहुत प्रसन्न होती है। इधर जो केसरी होता है वो भी संतान ना होने के कारण बहुत दुखी होते हैं, तो वो भी तपस्या करने निकल जाते हैं। तो वनों में तपस्या करने निकलते हैं तो वहाँ देखते हैं कुछ संतों को एक असुर बहुत तंग कर रहा है ऋषियों को, तो उस असुर का वो वध कर देता है। तो ऋषिगण प्रसन्न होकर उनको एक शिव मंत्र देते हैं, बोले शिव मंत्र का उच्चारण करो, तुम एक बहुत ही शक्तिशाली और एक बहुत ही अद्भुत पुत्र की प्राप्ति होगी। तो केसरी उस शिव मंत्र का उच्चारण करता है तो उसके अंदर पूरी शिव शक्ति का संचार हो जाता है और वह जब अपने घर में वापस आते हैं तो वो अंजना का आलिंगन करते हैं तो पूरी शिव शक्ति अंजना में स्थानांतरित हो जाती है। तो इस प्रकार से हनुमान जी शिव जी के भी अंश हैं, हनुमान जी केसरी नंदन भी हैं और हनुमान जी वायु पुत्र भी हैं ना। तो बहुत ही उनका दिव्य जन्म होता है। अब बचपन से जैसे ही मालूम चला, नारद मुनि को मालूम चला, तो नारद मुनि जी को मालूम चला जी हनुमान जी आने वाले हैं, एक बहुत शक्तिशाली जीव के रूप में आ रहे हैं। तो उस समय वानरों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन थे, बाली है ना। तो बाली को जाके बताते हैं कि आपसे भी शक्तिशाली कोई आने वाला है ना। तो बाली बहुत चिंतित हो जाता है, बोले किसके गर्भ में, बोले अंजना के गर्भ में। तो बाली पूरी योजना बताते हैं किसी ढंग से गर्भपात कराया जाए। तो बाली छिप के आते हैं जिस अंजना के महल में, तो उनकी
एक सेविका होती है अंजना की, जो कि बहुत निपुण होती है, जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनकी सेवा करने में। तो बाली किसी ढंग से अपना प्रभाव उस पर जमाता है। वो बोला है कि ये पदार्थ आप कल अंजना को खिला देना, और वो समझ जाती है ये क्या है। तो उसमें 5 प्रकार की धातु होती है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा और टिन होता है ऐसे। इसको खाने से बच्चे का भी वध हो जाएगा और अंजना भी नहीं बचेगी, पूरा 100% गारंटी थी। तो उस सेविका को मालूम है मैंने गलत काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी बाली के प्रभाव में आके उसका एक बहुत सुंदर सा पेय पदार्थ बनाती है और अंजना के पास ले जाती है। और अंजना को पूरा विश्वास है अपनी सेविका में कि इसने बहुत अच्छी सेवा की है मेरी। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की, श्री निताई चंद गौर सुंदर के। तो अंजना उस पेय को पी जाती है। तो जैसे ही पीती है वो सेविका देखती रहती है, अभी शरीर छोड़ा इसने, अभी शरीर छोड़ा, तो उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता। वापस मुड़ के देखती बिल्कुल वैसे की वैसे ही है, फिर आके देखती कुछ घंटों बाद वैसे ही वैसे ही है। और फिर कुछ समय के बाद उसको पीड़ा होती है कि संतान की उत्पत्ति होने वाली है, तो उसको अलग कक्ष में ले जाते हैं। अब वो पूरी 100% श्योर थी कि जो बच्चा निकलेगा वो मरा हुआ होगा, क्योंकि इतना बड़ा जहर पिलाया मैंने। तो अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, अरे हैरान हो जाती है कौन है। और जैसे ही अंदर जाके देखती है तो हनुमान जी के दर्शन होते हैं, एक सुंदर सा वानर है, और जिस जिस धातु के उसने पिलाई थी उस धातु के उसने बड़े सुंदर कुंडल ला रखे हैं, और उस सेविका को देख के वो जोर जोर से मुस्कुरा रहे हैं। वो देखते ही वो सेविका वहीं मूर्छित हो जाती है, क्या है ये बालक कैसा है। तो इस बालक में इतनी शक्ति।